अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? वेरी गुड, खुश आमदीद। पीर के दिन में 11वां हफ्ता हमारा स्टार्ट हो गया है। हमारा फर्स्ट टर्म बस खत्म होने वाला है। नेक्स्ट वीक हमारा इंशाल्लाह रिवीजन का होगा। तो ये हमारे हफ्ते का आज और ये हमारे टर्म का आज आखिरी हफ्ता है। तो बताएं आप लोग कैसे हैं और आपका वीकेंड कैसा गया, वीकेंड कैसा गुजरा और मंडे कैसा लगता है आपको? यस, समटाइम्स मंडे मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन यू नो कि हर दिन अच्छा होता है, इसलिए हमें हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चलिए आज अपने स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखते हैं किसके ऊपर है। वीडियो दिखा दूं आपको, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ उससे रिलेटेड कुछ करेंगे भी। ये पूरी तो नहीं है जितनी हमने आज पढ़नी है, उससे 10 इनसे कम ही है, लेकिन फिर भी मोर देन एनफ है कि हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक रसाई है अपने चैनल तक, और हर वीडियो अपने चैनल ही की हम देखते हैं, और बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है हम कि हमारे पास हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, ये ले। ये देखिए, और मैं आपको स्टार्ट से 9, 10, 11, 12 ये ले, देखिए किसके बारे में है। आओ गिनते हैं पैसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ले जी, ये है हमारी गिनती। क्या है हमारी गिनती? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हमारा आ गया, कौन सा हफ्ता चल रहा था? 11वां हफ्ता। और हमारे 11वें हफ्ते का कौन सा दिन है? पहला और दूसरा दिन। ठीक है, दिन कौन सा है? दिन है जी एक, और साथ में आ जाएगा दो। ये हमारा पहला और दूसरा दिन है। तो हम आज बेसिकली करने वाले हैं गिनती से रिलेटेड काम। चलिए आपको पहले हम लोग कुछ रंग गिनते हैं। देखो हमारे पास कितने रंग है, ये हम लोग वहां तक गिनती करके ना पूरी खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये ए, दो, तीन, चार, ओ सॉरी, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, और ये आ गई हमारी तीस। आज हमने करनी है गिनती तीस तक। ये देखिए, ये आपके आगे तीस रंग। ठीक है, कितने हैं हमारे पास ये रंग? तीस। हम कौन सी गिनती करेंगे आज? आज हम गिनती करेंगे तीस तक। ठीक है, तो चलिए आप लोग निकालिए अपनी किताब नरदवाने उर्दू क्लास टू। 1, 2, 3 तलफ्फुज भी आपको सिखाती हूँ, पढ़ाई भी बताती हूँ, उर्दू अंग्रेजी और तलफ्फुज दूसरा साथ। ठीक है,
ये लीजिए, ये बन गया हमारा लाइन। यहाँ पे हम लिखेंगे उर्दू गिनती, यहाँ आएगी इंग्लिश, और यहाँ आएगा तलफ्फुज किस पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10। ठीक है, अभी हमने 10 तक लिखी। हम लोग जो काउंटिंग मैथ्स में लिखते हैं, जो आप लोग काउंटिंग न्यूमरेसी में पढ़ते हो, वो ये 1 से 10 है। उर्दू में जो गिनती है वो ऐसी लिखी जाती है। ठीक है, और तलफ्फुज उसका ऐसे, जो मैं हमेशा यहाँ पर 11वां हफ्ता पहला और दूसरा दिन लिखती हूँ ना, एक दो, वो सारी मैं उर्दू में गिनती बेसिकली लिखती हूँ। अब इसी तरह मैं अब लिखूंगी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये हमारी हो गई गिनती 20 तक। अब हम लोग लिखेंगे गिनती 30 तक। ठीक है, सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 21, 22, 23, ये मैंने पहले लिख दिया तलफ्फुज़, कोई बात नहीं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसको ऐसे लिखेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये हमारी हो गई 1 से 30 गिनती, जो कि हमारी इस पर लिखी गई थी। यहां पर इन लोगों ने वो दिया हुआ है, हमने जो अब मेन काम करना है, मैं गोल बोर्ड भी उठा लूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। खाली जगहों को दी गई गिनती के दुरुस्त तलफ्फुज से पुर कीजिए। ठीक है, अब क्या लिखा है, ये आम के डैश दरख्त हैं। ये मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ये हमने लिख दिया उर्दू में ऐसे, क्या इसे कहते हैं, ये है इसको, इसको इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, तो उर्दू में तलफ्फुज कैसे लिखेंगे, 8। ठीक है, ये आम के 8 दरख्त हैं, वो डैश अंडे लाया, कितने अंडे लाया वो, 12। वो 12 अंडे लाया। ठीक है, मेरे स्कूल में डैश कमरे हैं, कितने हैं ये देखिए, ये मैंने लिखा 2, ये मैंने लिखा 4, ये मैंने लिखा 2, ये मैंने लिखा 4, ये क्या बन गया, 24। मेरे स्कूल में 24 कमरे हैं, 24 डैश बच्चों ने खेल में हिस्सा लिया,
एक और छह मतलब क्या बन गया, एक और छह 16। सोलह बच्चों ने खेल में हिस्सा लिया। अब मुझे ये बताएं, उस्तानी ने डैश कॉपियां तकसीम की। कितनी, एक और आठ 18। अलिफ के अठे अलिफ था रेहेरा 18। मैं दोस्तों के लिए डैश ट्रॉफियां लाई। दो दो लिखा होगा इन्होंने, दो और दो 22, दो और दो 22। 22 कापियां लाई। अम्मी ने डैश समोसे मंगवाए। कितने मंगवाए अम्मी ने, 18। गेन आ गया 18, दो दफा 18 आया। इम्तिहान में डैश बच्चे कामयाब हुए। आपके पास बुक्स हैं वहां से देखें, दो और सात 27। इम्तिहान में 27 बच्चे कामयाब हुए। ये बेटा आपकी खाली जगह में ये सारे आने थे, ये पूरी आपकी खाली जगह है और ये उसके आंसर्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे दी गई मश क्या है, उर्दू गिनती के इदाद को दुरुस्त तलफ़ुज़ से लकीर के जरिए मिलाइए। लकीर के जरिए मिलाना है। देखें इदाद क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है पांच। पांच यहाँ पे क्या लिखा, पे अलिफ पा नून छे पांच है, पांच तो है ही नहीं कहीं पे। ये लोग क्या करते हैं, ओ है बेटा, पे अलिफ पा नून छे पांच। ओके, ये क्या है, सीन अलिफ सा ते सात, ठीक है, 13। एक और तीन 13, तीन ये ते रे हे रा 13। उसके बाद है 17, एक और सात 17, 17 कहाँ पे है, ये इसके साथ 17। फिर 20, बे ये 20, सीन 20। फिर है 26, छे बे छब बे ये 20, बे ये 20, सीन 26। 28, 28 के सामने 28 लिखा हुआ है। तो बच्चों ये थी आपकी गिनती 1 से 30 तक। इसका तरीका तो कोई भी नहीं है, ना मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने इसको कैसे याद करना है। बस यही है कि इसको लिखकर प्रैक्टिस करें, इसको जुबानी याद करने की कोशिश करें और इसको तलफ्फुज, इसको प्रोनाउंस करें। बिकॉज आप लोग जब इसे पढ़ोगे बार बार, जब आप इसको बार बार बोलोगे तो आप लोगों को उर्दू गिनती आएगी। आपको पता है मैं जब आपकी एज की थी, मैंने बड़ी ट्राई की थी कि मुझे उर्दू गिनती आ जाए, लेकिन नहीं आई क्योंकि मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसे करें, मैं चाहती हूँ कि आपको इंग्लिश में, उर्दू में और अंग्रेजी में गिनती आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने मतलब इंग्लिश में तो आप वन टू करते हो ना, वो एनी वन स्पेलिंग के साथ, इसी तरह उर्दू के भी स्पेलिंग है तो आपको स्पेलिंग्स आने चाहिए। और घर में जितनी भी चीजें हैं उनको उर्दू में गिनती करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों की गिनती इंप्रूव हो। जैसे मेरे पास मार्कर है 1, 2, 3, 4, 5, फिलहाल 5 है। और अगर मैं कोई और चीजें 7, 2, 7, 8 इस तरह करके जितनी भी चीजें आपकी इर्द गिर्द पाई जाती हैं, प्लीज उनको काउंट करो ताकि आप लोगों की गिनती इंप्रूव हो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा गिनती बोल सको। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखोगे और आप लोगों को इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से, तलफ्फुज आपको इसका आ जाएगा और आप लोग इसको लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।